वेलकम बैक टू यामिनी मल्होत्रास यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपना एक और सीक्रेट, वेट लॉस कैसे करना है सब कुछ खाना खाने के बावजूद। सो बस एक मैजिक ड्रिंक पीना है और दिन में दो बार ही पीना है, और वो ड्रिंक पीने से अपने आप थोड़ा 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 फैट लूज होने लग जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ इंग्रेडिएंट्स अपने मैजिक ड्रिंक के, ठीक है। सो सबसे पहले है जीरा, जीरा सबके घर में है किचन में। सेकंड है अजवाइन, अजवाइन भी पक्का से किचन में होगा। नॉर्मल ग्रीन कुकिंग वाला सौंफ एंड जिंजर यानी कि अदरक। तो अब देखते हैं कि इनका करना क्या है। सबसे पहले हमने लिया पैन, और पैन में हमने डाला 2 glasses ऑफ वाटर। इस पानी में हमने 1 spoon सौंफ डाला, 1/2 spoon अजवाइन डाला, 1 spoon जीरा डाला एंड अदरक को, तो ये अदरक छीन लिया है मैंने, इसको ऐसे छोटे 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 पीसेस करके इसमें हम डाल देंगे। ग्रेट भी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। सो ये अब हमारे पास ये सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ पानी तैयार हो गया। ये मैं बता रही हूँ अभी डे टाइम का फॉर्मूला। तो जब हम डे टाइम में ये ड्रिंक पियेंगे, मे बी लंच के बाद या मे बी इवनिंग स्नैक्स जो हैवी होते हैं उसके बाद, तो हम इस वेसल को गैस पे चढ़ा देंगे, ठीक है। आ जाओ, तो अब हम वेट करेंगे कि ये जल्दी से बॉईल हो जाए, तब तक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो अगर हम ये आफ्टरनून में पी रहे हैं तो इसको हम बॉईल करेंगे, और 5 मिनट बॉईल करके इसको बंद करके रख देंगे और अनदर 2 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे जब तक ये पैन में ठंडा हो जाएगा। इसको गुनगुना करके हम ग्लास में डाल के पी लेंगे। दिस इज फॉर आफ्टरनून और इवनिंग। और एक हम रात को क्या करेंगे, रात को हम 3 इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, 4 इंग्रेडिएंट्स नहीं डालेंगे। एक पैन लिया और उस पैन में जीरा, सौंफ एंड अजवाइन डाल के पूरी रात के लिए पैन को ढक के छोड़ दिया। अर्ली मॉर्निंग जब आप उठोगे तो खाने से पहले यानी कि आपके ब्रेकफास्ट से पहले आप ये 1 कप पी लोगे। तो 1 कप हो गया मॉर्निंग में जिसमें अदरक नहीं डालना है, सिर्फ सौंफ, जीरा एंड और क्या था, अजवाइन, ठीक है। तो 1 कप डालना है। ओह माय गॉड, भूल गई। ओफो, तो सुबह वाले ड्रिंक में अदरक नहीं डालना है और शाम वाले ड्रिंक में अदरक भी डालना है। तो ये हम दिन में 2 टाइम पियेंगे तो इससे हमारा फैट कट होने लग जाएगा, क्योंकि ये 4 इंग्रेडिएंट्स जो है ना ये बहुत ही डाइजेस्टिव होते हैं, तो हमारा फैट कटने लग जाएगा। आप खा रहे हो और खाने के बाद भी अगर इसको पी रहे हो तो ये काम करेगा, यानी कि डाइटिंग नहीं करनी है, फिर भी 1 वीक में 1 kg या 2 kg लूज होने के चांसेस है। 1 kg तब जब आप डाइटिंग नहीं कर रहे हो, खा ही जा रहे हो और फिर भी ये पी रहे हो, और अगर 2 kg 3 kg तक करना है तो थोड़ी से डाइट के ऑल्टरेशंस करनी पड़ेंगी। स्टार्व नहीं करना, भूखे मत रहना, कुछ छोड़ना मत, मे भी रोटी छोड़ दो या मे भी चावल छोड़ दो डिनर के टाइम पे। तो अगर ऐसा कुछ कर लोगे, उसकी जगह सैलेड खा लो, सूप पी लो, ऐसा कुछ करोगे तो इन दैट केस ये 2-3 kilo कम कर देगा। सो ट्राई करो और मुझे बताओ, डिड इट वर्क फॉर यू और इट डिड नॉट वर्क फॉर यू। और भी बहुत सारे सीक्रेट्स बताती चली जाऊंगी मैं अपने, जो मैं खुद यूज करती हूँ। एक और बात बताती हूँ, मेरी कजन ने कुछ टाइम पहले ये एक पिल्स खाने शुरू किए थे, तो मार्केट में बहुत सारे फैट रिड्यूसिंग पिल्स आते हैं, एंड उसके बाद उसने 10-15 दिन खाया है और उसके बाद उसकी 1.5 महीना तबियत खराब रही है, और उन्हीं पिल्स की वजह से तबियत खराब रही है। तो ऐसे कोई भी पिल्स ना खाएं जिनके बारे में आपको पता नहीं है, जो सिर्फ मार्केट में एड्स आ रहे हैं उस वजह से, वो पिल्स ना खाएं जिन पे फैट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है या कुछ लिखा हुआ है। ओनली अगर कोई डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, कोई आपके डायटिशियन ने कुछ सजेस्ट किया है, सिर्फ वो खा सकते हैं। अदरवाइज ऐसे कोई भी अननोन पिल्स केमिस्ट की दुकान से उठा के प्लीज मत खाना। एक बार देखते हैं कि पानी गर्म हुआ कि नहीं हुआ।
सो ये उबाले आ रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंस ये उबाला आ गया है तो इसको हम बंद करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जैसे ये हल्का सा गुनगुना हो जाएगा अभी बिकॉज इट्स टू हॉट राइट नाउ, जैसे ये हल्का सा गुनगुना हो जाएगा इसको कप में डाल के पी लेना। मैं तो पीती हूँ, आप भी पी लो, वेट तो लॉस होगा ही होगा पहली बात। दूसरी बात ये ना हो कि चार चार पांच पांच ग्लास पीने लग जाओ पूरे दिन में, फिर लूज मोशन हो जाएंगे, मुझे ही मत कहना। मेरी गारंटी पे दो पीना, उसके ऊपर पियोगे तो तुम्हारे रिस्क पे, मेरे को नहीं जानते हो तुम। मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि और बहुत सारे सीक्रेट्स आने वाले हैं ऐसे वाले जो मेरी दादी माँ ने मुझे सिखाए थे। ठीक है, लव यू ऑल।